ସମସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି। ହେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଲିଗିରି ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପ୍ ଲୋକ କେସେ ହେଁ? ଆପ୍ ଲୋକ ଅଛେଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀ କୃପା ସେ। ହାପି ରଜ। ଆଜ ହେ ମିଡିଲ୍ ରଜ, ମଝିଲେ ରଜ ହେ। ତ ଆଜ ହେ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତ ମେ ଆଜ ଏକ ନୟା ଶାଢ଼ୀ ପେହନି ହୁଁ। ଦେଖିଏ ମୁଁ ଦିଖାତି ହୁଁ, ଏକ ନୟା ଶାଢ଼ୀ ଆଜ ପେହନି ହୁଁ। ये एक नया साड़ी है, देख लीजिए। मैं किचन में ही ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और भी है एक साड़ी, लेकिन वो उसको बाद में पहनूँगी। पहले मैं सबके लिए पिठा बनाऊँगी। आज पोड़ो पिठा बनाऊँगी। पोड़ो पिठा तो आज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो आग में तो नहीं लगाऊँगी ना, ऐसे ही कर दूँगी। तो कैसे कर रही हूँ दिखाऊँगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, कर रही हूँ। जल्दी खाएँगे, टाइम हो गया है 8:30, बहुत लेट हो गया है। चलिए, तो फेस्टिवल है। फेस्टिवल में तो जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। और भतीजा आया है और मेरी बेटी दोनों है, तो उन लोगों के लिए जल्दी से खाना बनाना है। हस्बैंड भी है अभी, और हस्बैंड भी नहा रहे थे, लेकिन नहा लेंगे। और मुझे जल्दी करना है। पोड़ पिठा करोगे तो थोड़ा लेट लगता है ना, इसीलिए। तो इधर देखिए, मैं बना रही थी, हमारा छोले बना रही थी, छोले की सब्जी बना रही थी। छोले सब्जी बहुत दिनों से भी नहीं बनाई थी, लेकिन काल बनाई थी, जो मटर आलू की सब्जी वो बनाई थी। और ये देखिए, आपे मेकर में ही मैं बना रही थी। और चिल्ला भी बना दी थी। पहले दिन तो चिल्ला और आपे मेकर में ही मैं बनाई थी। और आज क्या बनाई ना, पोड़ पिठा में बनाई हूँ। ये देखिए जो बना रही थी, इधर जो हमारा बैटर है, इडली बैटर जो है, इडली बैटर से ही बनता है। इडली बैटर में जैसे करते हैं चावल, और हमारा जो उड़द दाल उसको भिगा कर, सेम में भिगा कर मैं उसको रख दी थी। बहुत सारे बनाई थी। 3 दिन मुझे लग जाएगा वो समाप्त होने के लिए, ख़त्म होने के लिए। तो देखिए, इधर आपे मेकर में ही बना रही थी, उधर में बना रही थी जो हमारा छोले की सब्जी। इधर ढक दी हूँ, और मुझे ऐसे बिजी में सब करना पड़ेगा, तभी जल्दी होगा। फिर भी मुझे 10 बज गया। तो इधर जो बैटर को मैं थोड़ा सा चीनी और नमक डालकर उसको मिला रही थी। विदाउट मतलब वो तो बैटर में ही हो जाएगा, कुछ हमको बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालना नहीं पड़ेगा। तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं अच्छी तरह से सेट कर रही थी। और इधर मेकर जो हमारा आपे मेकर का भी मैं मतलब पलट रही थी। तो देखिए हमारा इसमें कैसे मैनेज कर रही हूँ। और देखिए, न्यू साड़ी पहनी हूँ बहुत दिनों से। ये साड़ी था, एक और भी साड़ी है उसको नहीं पहनी, तो ये न्यू साड़ी को पहनती हूँ। आज जो फेस्टिवल था तो पहनती हूँ। और बेटर को देखिए, जो हमारा केले के पत्ते, एक कढ़ाई में केले के पत्ते दे दी हूँ, उसके ऊपर जो इडली बेटर दी हूँ, और जो हमारा नारियल को मैं बना कर रखी थी, नारियल गुड़ को अच्छी तरह से मिला के मैं रखी थी। और जो हमारा काजू है, काजू दे दी हूँ। उसके बाद फिर से जो बैटर है, चावल और उड़द दाल की बैटर है, उसके ऊपर दे दी हूँ। उसके ऊपर मैं पत्ते दे दूँगी। और ये ना बहुत सॉफ्ट होता है, खाने को बहुत अच्छा लगता है, और मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये। और उसके बाद में मतलब क्या होगा ना, जो उसके बाद उस ऊपर भी मैं दे दी हूँ, जो हमारा नारियल की जो नारियल गुड़ नारियल की जो है मिक्स हो, और जो हमारा काजू ऊपर में दे दी हूँ। उसके बाद जो पत्ते केले के पत्ते देंगे तो बहुत जल्दी से निकल जाएगा। केले के पत्ते में ऊपर में तेल या कुछ वगैरह नहीं देना पड़ता है, वैसे ही उठ जाता है बहुत अच्छी तरह से, और सॉफ्ट होता है चावल के साथ, जो हमारा उड़द दाल है ना, इसीलिए। और इधर जो आपे मेकर में ही बोल रहा था, हम 3-4 जन 4 जन 5 जन खाएंगे ना, इसीलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं बना रही थी। और हम तो अभी पिठा बना, हमारा 3 दिन ऐसे होगा। अब
खाना पीना और झूला झूलना है वो सब होगा। और ये देखिए हमारा केक मेकर है, केक टीन है, केक टीन में ही मैं बनाऊंगी। और हमारा तो करंट ठीक से नहीं रहता है, ओवन में क्या बनाओगे, तो कढ़ाई में ही बनाऊंगी। कढ़ाई में चढ़ा दी, कढ़ाई के ऊपर जो हमारा स्टैंड है वो स्टैंड को मैं स्टील स्टैंड है उसको रख दूंगी। उसके बाद और जो हमारा टीन दे दूंगी। तो कैसे मैं बना रही हूँ देख लीजिए। पहले मैं जो केक टीन में थोड़ा सा तेल दे दी हूँ, और तेल देने के बाद जो हमारा पहले नारियल दे दी हूँ, नारियल और गुड़ की जो मिक्स है उसको दे दी हूँ। हाँ मैं भूल रही हूँ क्या बोलते हैं उसको, तो हमारा यह करते हैं जो वो दे दी हूँ। उसके बाद जो हमारा बेटर है, इडली बेटर, वो दे दी हूँ। उसके ऊपर फिर से वो जो हमारा नारियल और काजू डालकर सजा दी हूँ, और नारियल की कट वो भी दे दी हूँ। और उसके बाद मैं तो प्री हीट करने के लिए दे दी हूँ कढ़ाई को। उसके ऊपर एक मैं कुछ देने के लिए ढूंढ रही थी लेकिन नहीं मिला, तो मैं एक थाली दे दी हूँ। थाली के ऊपर दे दी हूँ हमारा जो हेमदस्ता, और हो गया, बहुत जल्दी हो गया। देखिए मैं नाइफ से ही देख रही थी हुआ कि नहीं, हो गया था। और ये देखिए तो उसको पलट के मैं कढ़ाई में पलट कर ही जो पोड़ पीठा बनाई वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है भाई, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे तो नहीं बना पाते हैं, ऐसे हम फेस्टिवल के टाइम बनाते हैं, अच्छा लगता है। बेटी को इस टाइप का पोड़ पीठा बना के दोगे तो उसको बहुत पसंद है। और वो क्या हुआ ना, जो दिल्ली में कर चिल्ला और पोड़ पीठा और देखिए सब्जी और ये है कस्टर्ड। कैसे लगे पोड़ पीठा दूजों का कहो, भल लगे सतरे पूरा। तो ये हमारा ओडिशा का पारंपरिक पिठा है, पारंपरिक पर्व है। तो देखिए अलता लगा देती हूँ बेटी की पैर में, और ये कपड़े भी पहनी है बेटी, और मैं भी मतलब खाने पीने के बाद अलता वगैरह सब लगा रहे थे। अच्छा लगता है झूला झूलने में, मैं तो इस उम्र में भी 40 की उम्र में भी बच्चे बन जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सजना सबरना। और बहुत लोगों को पसंद नहीं लेकिन मुझे भाई बहुत पसंद है, 40 की उम्र में भी मैं बच्ची बन जाती हूँ सच में। और देखिए आलता लगा रही हूँ और बेटी तो वो लगा रही है, और वो आजकल का बच्चे ज़्यादा नहीं पहनते हैं लेकिन मेरी बेटी को पसंद है, वो सजना सवरना उसको भी पसंद है, मुझे जैसे पसंद है उसको भी बहुत पसंद है। और उसके बाद हम क्या करें ना, झूला मैं तो झूला झूल रही थी देखिए, और गर्मी हो रहा था ना बहुत, तो मैं झूला झूल रही थी। बढ़िया लगुच्छे कि गरम लगुला मत, बढ़िया लगुच हला। तो पीठा वगैरह खाने के बाद मैं झूला झूल रही थी, बेटी और जो भतीजा वो बाहर में फोटो खींच रहे थे, और हस्बैंड तो शॉप पर हैं। आज मुझे शॉप तो जाना नहीं है, तो मुझे आज बहुत एंजॉय करना है, तो मैं झूला आराम से झूल रही थी। वो जो हमारे पिठा पना खाने के बाद, और लंच तो बाद में करेंगे, वो ब्रेकफास्ट था। और हस्बैंड आए तो हस्बैंड भी देखिए कैसे झूला झूल रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा फोटो मतलब वीडियो बना दी हूँ। और मुझे तो आज झूलना ही है, मैं बच्ची ही बन जाती हूँ, बन रही हूँ देख लीजिए। और हमारा पारंपरिक ये झूला है, पारंपरिक पर्व है, इसको रज संक्रांति कहते हैं, रज पर्व कहते हैं।
बनस्ते डाकी लागज बरस के थरे आसी चिरज आसी चिरज ल देखि नुवा सजवार बनस्ते डाकी लागज बरस के थरे आसी चिरज आसी चिरज ल देखि नुवा सजवार गौल ल देखि नुवा सजवार। तो ये देखिए हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।